नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसे एक वीडियो में पहुंचाएंगे। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए जानना है जरूरी, साथ में बने रहिए। आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी रिपोर्ट, देश में बदलने वाली है सरकार, उड़े बीजेपी के होश, वही छठे चरण के वोटिंग की यहाँ पे शुरू, लंबी कतारें लगी हैं पोलिंग बूथ के बाहर, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वोट डालने। जानेंगे सभी बड़ी खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। छठे चरण के मतदान के लिए यहां पर वोटिंग लगातार जारी है, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर यहाँ पे वोटिंग जारी है। आप सभी को बताते चले, यहाँ पे राहुल गांधी सोनिया गांधी आज अपना वोट डालेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पश्चिम बंगाल से अपडेट आ रही है, जहाँ पर झड़प देखने को मिली है टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी पर लगा है आरोप। आप सभी को बताते चलें, लगातार इस प्रकार का घटनाक्रम सामने निकल के आ रहा है। 58 सीटों पे वोटिंग जारी है लगातार। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, ताजा बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री के पति और जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का शानदार विश्लेषण, गैर एनडीए गैर बीजेपी सरकार बनेगी, टूट जाएगा एनडीए, जून 2024 में नई सरकार को लेकर यहां पे शानदार विश्लेषण आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री और भारत की जनता के बीच की लड़ाई है, कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक दल कोई गठबंधन भारत की जनता से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई कितना बड़ा नेता हो या हस्ती ही क्यों ना हो, जनता के सामने सभी छोटे हैं। जनता के सामने बीजेपी की संगठित चुनावी शक्ति वाली मशीनरी किसी टॉय कार से बड़ी नहीं है, यानी खिलौने वाली कार से बड़ी नहीं है। एनडीए जैसा गठबंधन भी जनता के सामने बिखरे हुए तिनके की तरह है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा अनुमान है कि बीजेपी 220 सीटें तक ला सकती है और पूरे एनडीए गठबंधन के साथ वे अधिकतम 260 सीटें जीत सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वहां कितना खरीदेंगे, जो गठबंधन में है उनके बीच वैचारिक एकता नहीं है, जब वे देखेंगे कि बीजेपी मजबूत नहीं रही तो उनमें से कई उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जून 2024 में सरकार बनाने जा रही। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं जून 2024 में गैर एनडीए और गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। पीएमओ से देर रात जारी हुआ बड़ा आदेश, अरविंद केजरीवाल का टीवी इंटरव्यू ना दिखाया जाए। जी हाँ, दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले टीवी चैनलों को दिए मेरे इंटरव्यू रोके जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि कल मैंने कुछ टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए, पीएमओ ने उनको प्रसारित करने से रोक दिया। अब बताइए, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? दिल्ली के सीएम लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर हैं और इंटरव्यू उनका धमाकेदार था। जनता इस इंटरव्यू को ना देख पाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए पीएमओ की ओर से, उनके प्रसारण पर रोक लगा दी गई। हरियाणा की 10 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और इसी बीच इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है, 10 सीटें जीतने का बड़ा दावा। 10 सीटें जीतेगा हरियाणा के इंडिया गठबंधन, इस बार बीजेपी का यहाँ पे सफाया होगा। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम सिर्फ रोहतक सीट ही नहीं बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। इस बार युवाओं किसानों का आक्रोश बीजेपी पर जमकर निकलेगा। तो वहीं यूपी के हमीरपुर में बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्या हुई है छेड़छाड़, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। हमीरपुर में सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पे बड़ी जानकारी सामने निकल के आई, पता चला है कि जिन स्ट्रॉन्ग रूम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखे गए वहां 5 बार बिजली कटी है। आप सभी को बताते चलें, इससे पहले महाराष्ट्र में भी 45 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए थे। ये घटना बारामती की थी और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया, गहरी नींद में सो रहा है। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर रखने का अनुरोध किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, हमीरपुर में जहां चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखे हैं वहां स्ट्रांग रूम में 5वीं बार बिजली कटी है, चुनाव आयोग और यहां पे स्थानीय प्रशासन इसका तुरंत संज्ञान ले। सभी सपा प्रत्याशी और जुझारू कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने अपील की कि इस तरह पूरे प्रदेश में ईवीएम के स्ट्रांग रूम पर निगाह रखें और गड़बड़ी की किसी भी आशंका की सूचना हमें दें। हमीरपुर के सपा के समर्पित सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को सचेत रहने के लिए कहा है अखिलेश यादव ने। देख सकते हैं।
और कोसाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मंझनपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बिना कोई चेकिंग के ही घुस गए। सपा के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी जनमत का गला घोटकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल उठ रहा है कि कहीं चुनाव आयोग इसी प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाता नहीं रहा है, इसीलिए वोटिंग प्रतिशत देरी से जारी तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ताजा बड़ी अपडेट निकल के आई है, लगातार छेड़छाड़ की खबरें सामने निकल के आ रही हैं स्ट्रांग रूम में। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का बड़ा दावा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी घबराई सहमी है, सत्ता जाने का डर सताने लगा है। जी हाँ, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, जो यहाँ पे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके अनुसार बीजेपी को 190 से 210 सीटें मिलती दिखाई गई इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट में, और ये खबर लीक हो गई। सरकार ने ये खबर लीक नहीं होने दी जिससे कि उसके पक्ष में माहौल बिगड़ ना जाए, लेकिन खबर जो सामने निकल के आई है उसने होश उड़ा दिए बीजेपी के। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार इस बार बीजेपी या एनडीए यहाँ पे वापसी नहीं कर रहे हैं, सरकार में परिवर्तन तय है। इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने घेरा है मोदी सरकार को, बताया कि इनकी बौखलाहट अब इनके भाषणों के जरिए सामने निकल के आ रही है। इनके विवादित भाषण यही दर्शा रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट एकदम सही है, और इनके अंदरूनी सर्वे में भी यही बात सामने निकल के आई है कि इस बार ये सत्ता में वापसी नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने वीडियो संदेश जारी कर की है यहाँ पे आम जनता से बड़ी अपील। जी हाँ, राकेश टिकैत की अपील बीजेपी के परफॉर्मेंस पे डालेगी बड़ा असर। हरियाणा पंजाब में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने एक वीडियो जारी किया, छठे चरण का मतदान जारी है। राकेश टिकैत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बड़ी अपील की। उन्होंने सीधे यहां पर स्पष्ट कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर इन लोगों का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है। राकेश टिकैत ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट ना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराने वाले प्रत्याशियों का आपको समर्थन करना चाहिए। आपको बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा कि अब यहाँ पे सिर्फ छठे चरण का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है, एक चरण और बचता है, सभी लोग चुनाव पे बात कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है भाजपा को हराने वाले उम्मीदवारों को वोट करें, क्योंकि ये भाजपा की सरकार नहीं, ये पूंजीवादियों की सरकार है। उस गैंग ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए आपका हर एक वोट होना चाहिए। राकेश टिकैत की बड़ी अपील सामने निकल के आई है, जिसने बीजेपी को सीधे तौर पर बड़ा झटका लग सकता है दिल्ली और हरियाणा में। यह आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।